हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग? गुड। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी कर ले, वरना देख लें ये गलत हो जाएगा। मैं इतनी मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए तो लाजमी सब्सक्राइब कर ले। आज की वीडियो का जो है आप लोगों का आइडिया हो गया होगा वीडियो के टाइटल से। आई थोक की शादियों का सीजन है तो मुझे जो है ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। सो मैंने स्टार्ट में आप लोगों के साथ 25 मायो पिक्चर्स में शेयर की है, लेकिन हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इन शॉर्ट वे में, ताकि आपको और मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। सो स्टार्ट करते हैं। पिक्चर्स तो आपको जो है गूगल से, इंस्टाग्राम से जो है इजीली मिल जाएगी, बट मेरा मेन पॉइंट ये है कि बहुत सारी लड़कियों को नहीं पता होता है कि उन पे जो है क्या सूट करेगा क्या सूट नहीं करेगा। सो मेरी ये जो वीडियो है इससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिलने वाली है। फर्स्टली हम बात करते हैं कि आप लोगों का जो इवेंट है वो कैसा है, मतलब आपका इवेंट छोटा है या आपका इवेंट बड़ा है। बिकॉज जो आजकल ट्रेंड है वो सारे जो फंक्शन हैं वो सेपरेट सेपरेट करने का है, ताकि हम अपनी जो शादी है वो खूब इंजॉय कर सके, उसका भरपूर जो है मज़ा ले सके। ठीक है, मायो मोस्टली गर्ल्स जो है वो सिंपल घर में ही फंक्शन कर रही होती है, लेडीज फंक्शन होते हैं, तो मेरी मायो भी कुछ इस तरीके से सेपरेट ही हुई थी। सो इसलिए जो आपका ड्रेस है वो आपके फंक्शन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आपका इवेंट बड़ा है तो आपने उसके हिसाब से रखना है। मैंने पिक्चर्स इसलिए यहाँ पे बहुत सारी शेयर की है, सिंपल भी और हैवी भी, ताकि आपको ईजी हो जाए सेलेक्ट करने में अपने जो है फंक्शन के हिसाब से। देन बात करते हैं कलर की। कलर जो है ट्रेडिशनल ही अच्छे लगते हैं, बाकी आप लोगों की चॉइस है कि आप कौन सा कलर वेयर करना चाहते हैं। बात करते हैं स्टफ की, जो कि बहुत ज़्यादा मैन है। स्टफ जो है आपने अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग लेनी है, जिस टाइप की आपकी बॉडी है, और ज़रूरी नहीं है कि आपने एक ही जो है पिक्चर सेलेक्ट करनी है और आपने वही बनानी है। ठीक है, आप किसी का स्टाइल पिक करो, आप किसी का स्टफ पिक करो, किसी का आप जो है काम पिक करो, किसी का कलर पिक करो, और फिर जो है उसे अपने हिसाब से डिज़ाइन करें। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे जो है मायो के ड्रेस की वर्क और डिटेलिंग पे बात करते हैं। वैसे तो मैं यहाँ पे अपनी चॉइस बता रही हूँ जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे जो है मायो के ड्रेस पे गोटा वर्क ज़्यादा अच्छा लगता है, गोटी की लेसिस अच्छी लगती है, लाइक चंपा, लाइक किरण, लाइक धनक, और वैसे भी मुझे इतनी पसंद है कि मैं अपने सिर्फ ज़रूरी नहीं कि ऐसे ड्रेस पे, मैं अपने नॉर्मल ड्रेस पे भी इन लेसों का बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रही होती हूँ। अब बात करते हैं स्टाइल की। अगर आपकी हाइट छोटी है तो आप जो है लॉन्ग स्टाइल पे जाएं, और अगर आपकी हाइट दरमियानी है तो आप जो है शॉर्ट शर्ट्स के साथ, जो है सिगरेट पैंट के साथ जाएं। ठीक है, इस तरीके के स्टाइल आप पे ज़्यादा अच्छे लगेंगे, और आपके पास काफ़ी ऑप्शन होते हैं दरमियानी हाइट वालों के पास। ठीक है, और अगर आपकी हाइट लंबी है तो लंबी हाइट वालों पे जो है मैक्सी, फ्रॉक्स, लहंगा, ये स्टाइल भी बहुत ज़्यादा जो है अच्छा लगता है। ठीक हो गया। अब बात करते हैं हम ज्वेलरी पे। ठीक है, जो ज्वेलरी होती है वो मेरी जो ऑब्जर्वेशन है मैं वो बता रही हूँ। वैसे तो खुद भी मैंने अपनी माइयों पे जो है फ्लावर ज्वेलरी पहनी थी, और मैं रिकमेंड भी यही करूँगी कि आप फ्लावर ज्वेलरी की तरफ जाएं, और मोस्टली जो ब्राइड्स है वो फ्लावर ज्वेलरी की ही तरफ जाती है माइयों में। सो आई होप गाइस आप लोगों को मेरी इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी, काफ़ी लड़कियों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जो है ये वीडियो थी। इंशाल्लाह इस वीडियो पे आप लोगों का रिएक्शन अच्छा आएगा, तो नेक्स्ट वीडियो जो है हम मेहंदी बारात एंड मलिमे में भी बनाएंगे। सो कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी, एंड अल्लाह हाफिज। सो नेक्स्ट पार्ट पे जो है मैंने आप लोगों के साथ जो है अपनी माइयों की पिक्चर शेयर की है, इसके आगे आप लोग वो ही देखेंगे। सो लेट्स गो। सो गाइस यहाँ पे हमने अपना जो है लैपटॉप ऑन कर लिया है, को हम रिफ्रेश करेंगे। इस लैपटॉप के अंदर जो है मेरी सारी शादी की पिक्चर्स मौजूद है एज अ मेमोरी। वैसे एल्बम्स भी हैं, मूवी भी है, बट आई थॉट कि मैं आप लोगों को इसमें दिखाऊं, मैं जो है अच्छे से क्लियर आपको समझ में आए। यू कैन सी गाइस माई ऑल मायो पिक्चर, एंड देन उसके बाद जो है हमारी रिलेटिव्स के साथ फोटो सेक्शन आ जाता है। सो मैं आप लोग को अपनी दिखाती हूँ। ठीक हो गया। वैसे तो मैं आगे भी इसके अटैच करने वाली हूँ अपनी पिक्चर्स, एंड द फर्स्ट पिक्चर इज हेयर। यहाँ पे ये मेरा एक पोज था, और मैंने अपनी माइयों में कोई मेकअप नहीं किया हुआ था, जस्ट हल्का फुल्का जो टिंट है वो मैंने अप्लाई किया था, और बाकी नेल्स वगैरह मैंने लगाए थे फेक नेल्स। और एक और मैं आपको दिखाती हूँ,
एंड वन मोर पिक्चर इज हेयर, यहाँ पे ये जो है फोटोग्राफर अपना कोई दुपट्टा लेकर आए थे उसके साथ मेरा थोड़ा सा फोटो शूट हुआ था. लुक गाइस, माय कंप्लीट आउटफिट ऑफ माय मायो डे एंड इट वाज सो 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 प्रीटी एंड आई एम आल्सो लुकिंग सो प्रीटी माशाल्लाह माशाल्लाह से. एंड यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे मैंने जो है ये पायल पहनी हुई है एंड जूलरी देख ले, हेयर स्टाइल देख ले. सो